दो शिव कुमारों को हम ले आए हैं, राम प्रभु और लक्ष्मण हैं। इनको हम वहां से लेके आए हैं। अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं दोनों, और सीता की खोज में यहाँ आए हैं। कहाँ है? इनका उससे उसका इनसे परिचय हनुमान कराते हैं कि इनका उससे उसका इनसे परिचय हनुमान कराते हैं। फिर अग्निदेव को साक्षी कर दोनों को मित्र बनाते हैं। श्री राम अयोध्या के
ठीक कहते हो महाराज सुग्रीव, अर्थात आपकी कहानी क्या है आप ये निश्चित होकर हमें बताएं, हम आपकी कहानी का समस्या का समाधान करेंगे, उसके बाद हम अपनी भार्या सीता का खोज लगाएंगे। प्रभु आप हमारी दर्द भरी कहानी सुनना चाहते हैं तो ठीक है, हम अभी आपको बताते हैं। कुछ दिन पहले मंत्रियों सहित मैं जगह पर बैठा था, भाग के अलावा कोनो भागे नहीं चल रहे, कहाँ है पहला भाग के अलावा नहीं चल रहा। आपने क्या कहा सुग्रीव, आपने मेरी भार्या सीता को देखा है? तो जब देखे थे यहाँ पहले जब चला पहले दिन में चला वो नहीं आ रहा, कहाँ पहले आप फर्जी आ चल रहा थे वो इसी आकाश मार्ग से जा रहे हैं। बता दे जीत हो रहा था और उनको ले जा। अरे हमें मोबाइल से अच्छे तो मोबाइल नहीं हुई, तुरंत पकड़ा था, सबके मोबाइल चला थे, निपुन्ना हमें नहीं चला डायरेक्ट आवर। ये कुंडन देखो जी आए हैं, 5G कनेक्शन ले लेना, ये देखो एक भाग चला हूँ दूसरे पे हम देखा दिखाई नहीं पाओ, देखो क्या है वही कुंडल है पर्सनल जो जानकी के लेके चले कानों में रहते थे। आए रहो बैठा ना, मैंने तो माता सीता के सिर पे अरे ए कान का देखा प्रभु, मुझे कुंडल की पहचान नहीं है ज्यादा ना बैला तो नहीं के तुमका दिखाई बहन सीता के पूरे हीरा खदेड़ दे चुप्पे से यही है माता सीता के। हे सीते तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें जल्द से जल्द वहां से मुक्त कराऊंगा और तुम्हें पुनः अयोध्या वापस ले चलूंगा। सीते तुम परेशान मत हो और मित्र सुग्रीव और पहले मैं अपनी समस्या सुलझाने से पहले मैं तुम्हें
मैं तुम्हारी समस्या को सुलझाऊंगा और पहले तुम्हें राज सिंहासन पर बैठाऊंगा, तब पश्चात अपनी भार्या की खोज के लिए निकलूंगा। जी भ्राता राम। बाली और भाई सुग्रीव, आप तो मेरे मित्र हैं, इसलिए जो आपका दुख है, आपका दर्द है, वो हमारा दुख और हमारा दर्द है। तो बताओ, वो दुष्ट निशाचर बाली कहाँ रहता है? वो एक महान पर्वत पे रहता है। चलो हमें वहां उसके पास ले चलो। आइए। श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की। कहाँ वाली सुना भेरु पिए संतर से रघुनाथ जो दास महिमा रही तो पुनि हो साथ।
राहुल प्रवाल 50 रुपए रामलीला मंडल को प्रदान कर रहे हैं। धन्यवाद। ये राधे माधव जी यहीं के निवासी हैं, इनकी तरफ से 20 रुपए शुक्राया। धन्यवाद। सुग्रीव मित्र सुग्रीव अब तुम्हारी कैसी हालत है? बहुत मारा प्रभु, आपने बहुत अच्छी मित्रता निभाई बोझ कर प्रभु। सुग्रीव क्या तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है? पूरा पता टूटा जा रहा है प्रभु। कैसी हालात है सुग्रीव? ये तो चमत्कार हो गया प्रभु, सारा अंग जैसे थैसे जुड़ गया प्रभु। मित्र मित्र सुग्रीव तुम दोनों भाइयों में इतनी समानता है कि मैं विवश हो गया कि इसमें सुग्रीव और बाली कौन। अगर मैं तुम्हारे ऊपर बाल चला देता तो मेरा धन संकट में पड़ जाता, इसलिए अत्यधिक समानता के कारण मैंने किसी पर बाण नहीं चलाया। और हे मित्र सुग्रीव आप जाओ, एक बार फिर से बाली को ललकारो और अब की बार मैं तुम्हें पुष्पमाला पहना रहा हूँ, जिससे तुम भाइयों दोनों भाइयों में समानता ना हो। जाओ जाओ मित्र सुग्रीव और एक बार बाली से फिर ललकारो और अब की बार मैं उसका वध निश्चय ही करूंगा। फिर से मैं आज्ञा अनुसार, फिर से मैं आज्ञा अनुसार बाली को ललकार चाहता हूँ। आपके आज्ञा अनुसार मैं छान घर में जाकर अभी ललकारते हुए इसको यहाँ बुलाकर लाता हूँ।